हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और महिलाएं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीन फेज में काम करता है। नंबर वन फॉलिकुलर फेज, नंबर टू ओवुलेटरी फेज और नंबर थ्री लूटियल फेज। तो हम बारी बारी से इन तीन फेज के बारे में जानेंगे और इसी दौरान हम ये भी जानेंगे कि महिलाएं ओवुलेटरी फेज के दौरान कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉलिकुलर फेज के बारे में जानते हैं। महिलाओं में फॉलिकुलर फेज पीरियड के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। फॉलिकुलर फेज के दौरान महिलाओं के ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि से दो हार्मोन को रिलीज किया जाता है। पहला LH हार्मोन, दूसरा FSH हार्मोन। LH यानी कि लुटीनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाशय में अंडे को पकने में मदद करती है, जबकि LH यानी कि लुटीनाइजिंग हार्मोन पके हुए अंडे को अंडाशय से फूटने में मदद करती है। तो जब पिट्यूटरी ग्रंथि से ये दो हार्मोन को रिलीज किया जाता है तो ये ब्लड के द्वारा ओवरीज तक पहुँच जाता है और FSH हार्मोन अंडाशय में लगभग 15 से 20 अंडे को पकाना शुरू भी कर देता है और ये अंडे तब तक पकते रहते हैं जब तक ब्रेन द्वारा FSH हार्मोन का प्रोडक्शन जारी रहता है। जब FSH हार्मोन का लेवल एक लिमिट तक बढ़ जाता है तो अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो ब्रेन को ये सिग्नल जाती है कि अब ब्रेन को FSH हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देना है, बंद कर देना है। तो ब्रेन तुरंत ही FSH हार्मोन के प्रोडक्शन को बंद कर देता है, यानी कि FSH हार्मोन बनना बंद हो जाता है। इस दौरान अंडाशय में लगभग 15 से 20 अंडे जो पक रहे होते हैं वो पकना बंद हो जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक या दो ही अंडे पूरी तरह से पक पाते हैं। इस तरह से महिलाओं में फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाता है। अब महिलाओं में ओवुलेटरी फेज स्टार्ट होता है। इसी ओवुलेटरी फेज के दौरान महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। महिलाओं में ओवुलेटरी फेज पीरियड के पहले दिन से जोड़कर लगभग 14 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि FSH हार्मोन का प्रोडक्शन अब बंद हो गया है, अब ब्रेन द्वारा FSH हार्मोन नहीं बनाया जा रहा है। इस दौरान एक या दो अंडे पूरी तरह से पक चुके हैं और अभी भी LH हार्मोन का प्रोडक्शन जारी है, यानी कि ब्रेन द्वारा LH हार्मोन अभी भी बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि LH हार्मोन यानी कि लुटीनाइजिंग हार्मोन पके हुए अंडे को अंडाशय से फूटने में मदद करता है, तो इस LH हार्मोन के वजह से वो दो पके हुए अंडे अंडाशय से फूटकर बाहर आ जाते हैं और अंडाशय के ठीक पास में ही एक उंगलियों के जैसा टिश्यू होता है जो कि उस अंडे को खींचकर फैलोपियन ट्यूब में ले जाता है। इस दौरान महिलाएं हल्के चिपचिपे या वाइट जैसा डिस्चार्ज महसूस करती है। ये डिस्चार्ज इसलिए होता है ताकि स्पर्म को नरिश किया जा सके, स्पर्म को अंडे तक मिलाने में मदद किया जा सके। अब महिलाओं में ओवुलेटरी फेज भी खत्म हो चुका है। महिलाओं में ओवुलेटरी फेज लगभग एक से दो दिन के अंदर में ही खत्म हो जाती है। अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है। वो अंडा फैलोपियन ट्यूब में लगभग दो से तीन दिनों तक उसी तरह से घूमता रहता है। इस दौरान होता क्या है कि वो पका हुआ अंडा जिस फॉलिकल से बाहर आया था, यानी कि जिस जगह से वो बाहर फूट कर निकल कर आया था, वो एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है और उसका नाम होता है कॉर्पस लूटियल। इस कॉर्पस लूटियल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार करता है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूट्रस की जो दीवार की लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है ताकि फर्टिलाइज अंडे का प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन इस पर किया जा सके। तो अगर इस दौरान अंडे को कोई स्पर्म मिल जाता है तो वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद वो फर्टिलाइज अंडा धीरे धीरे करके यूट्रस में आकर पहुंचता है और वहां पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जिससे महिलाएं सक्सेसफुल प्रेग्नेंट हो जाती है। उसी तरह से उनकी प्रेगनेंसी 9 महीने तक रहती है, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। अगर इस दौरान अंडे को कोई भी शुक्राणु यानी कि स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है और पीरियड डेट आते आते जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने यूटेराइन लाइनिंग को बनाया था, यूटेराइन लाइनिंग को मोटी किया था, वो धीरे धीरे शेड होना यानी कि झड़ना शुरू हो जाता है और महिलाओं की पीरियड आ जाती है।
इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल में भी ये सारी चीज़ें होती है और इसी तरह से महिलाओं में फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज होता है।